अस्सलामु अलैकुम, माय सेल्फ फरीना मोहम्मद। लेट्स मूव ऑन टुडेज टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। कल हमने देखा कि सिंपल डेफिनेशन फेडरलिज्म की क्या है, कल हमने कॉन्सेप्ट देखा इसका, तो आज हम देखेंगे कि फीचर्स फेडरलिज्म के फीचर्स किस तरह से बनते हैं, कुछ की फीचर्स है, ऑलमोस्ट 6 फीचर्स है, इम्पॉर्टेंट फीचर्स। तो आज हम 3 फीचर्स जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स है, पहले 3 वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले पहला जो है वो है देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे इंडिया का हम देखेंगे, इंडिया इज़ ए फेडरल कंट्री, तो हमारे यहाँ जो इंडिया में है 2 या 2 से ज़्यादा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। सेंट्रल लेवल है, स्टेट लेवल है एंड लोकल लेवल है, जो कि हमने पावर शेयरिंग में भी पढ़ा है कि कैसे आपस में तीनों पावर शेयर करते हैं। सेकंड जो है वो है, सेकंड फीचर है फेडरलिज्म का, डिफरेंट टेयर्स हैव देयर ओन टेयर्स मीन्स लेवल्स, यानी कि सेंट्रल, स्टेट और लोकल। डिफरेंट टेयर्स हैव देयर ओन ज्यूरिसडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स, लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि कंट्री तो एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट, एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसी कंट्री को चलाएगी, स्टेट भी उसी कंट्री को चलाएगी और लोकल गवर्नमेंट भी उसी कंट्री को, यानी कि इंडिया को चलाएगी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे लिए। अब हम थोड़ा इस सेकंड फीचर को हम इलाबरेट करते हैं। डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर गवर्निंग द सेम सिटीजन्स। वही चीज़ यहाँ हम इस पॉइंट में हाईलाइट करेंगे कि ये जो इस की फीचर में, इस सेकंड फीचर में लिखा गया है कि डिफरेंट टेयर्स हैव देयर ओन ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैव देयर ओन ज्यूरिसडिक्शन। ये क्या होता है ओन हैव देयर ओन ज्यूरिसडिक्शन? अब ये सवाल है कि कौन क्या कर रहा है, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है। वही चीज यहाँ ये बताया गया है कि सेम स्टेट पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक ही जगह पर रूल कर रहे हैं, सेम कंट्री में, लेकिन इनका जो ज्यूरिसडिक्शन का एरिया है, मतलब इनकी जो सीमा है, बॉर्डर है, जहाँ तक वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं, वो इन स्पेसिफिक मैटर्स में डिफाइन किया गया है। यानी कि लेजिस्लेशन, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, कौन किस पे लॉ बनाएगा, कौन किस पे टैक्स लगाएगा, कौन किसको एडमिनिस्टर करेगा, किस जगह को, कौन किस जगह पे लॉ बनाएगा, कौन सी गवर्नमेंट किस जगह टैक्स लगाएगी। तो इसी तरह से इनके एरियाज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन भी स्पेसिफाई होते हैं। अब थर्ड फीचर जो है वो है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट लेवल्स आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट लेवल्स, यानी कि कौन सी गवर्नमेंट, सेंट्रल हो, स्टेट हो या लोकल हो, कौन कितने एरिया पे रूल करेगी, किसको कितना लेजिस्लेशन पावर होगा, किसको कितना टैक्सेशन पावर होगा और किसको कितना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होगा। दीज ऑल थिंग्स आर नीडेड टू बी स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली
होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, लॉ होना चाहिए कि किसको, ये कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही होना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लॉ होता है, लॉ मेकिंग बॉडी है, ये तो हमें पता ही है। लॉ लॉ तब बन जाता है जब वो रिटन फॉर्म में हमारे सामने आए। तो यहाँ पे यही बता रहा है इस फीचर में कि ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट लेवल्स, ज्यूरिसडिक्शन कैसे चलानी है डिफरेंट लेवल्स, सेंट्रल स्टेट और लोकल लेवल्स, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही लिखा हुआ होना चाहिए। इसके लिए कानून होने चाहिए, आर्टिकल्स होने चाहिए। दीज ऑल थिंग्स आर नीडेड टू बी स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कंसर्नड बोथ द लेवल्स ऑफ। नंबर फोर्थ फीचर जो है फेडरलिज्म का वो है कंसर्नड बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो यहाँ पे दोनों आमादा होने चाहिए, दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। आपस में कुछ अगर फंडामेंटल चेंज लानी है कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ आर्टिकल्स चेंज करने हैं, तो इसके लिए लाइक हम ये एग्जांपल देंगे, एक स्टेट में से नया स्टेट निकालना है कोई, जैसे हमने देखा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तो पहले वो उसी के साथ था, फिर वो अलग निकाला गया उस स्टेट से, या फिर पूरी कंट्री के जितने भी सिटीजन्स हैं उनके ऊपर कोई लॉ लाना है, तो दोनों गवर्नमेंट आपस में इनको बात सुननी चाहिए, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी, ताकि अगर दोनों सेटिस्फाई हों, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, कंसेंट दोनों का हो, दोनों की परमिशन हो, तो कुछ चेंज ला सकते हैं। जैसे हमने यूपी के एग्जांपल ली, यहाँ पे यूपी में जो पहले वो एक ही स्टेट थी, उत्तराखंड भी उसी के साथ था, फिर वो अलग किया गया, सेपरेट किया गया, तो कंसर्न थी यूपी गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, जिसकी वजह से वो फंडामेंटल प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंट हो गया। तो यहाँ पे हमारे जो है चार फीचर्स जो है आज हमने यहाँ पे डिस्कस किए, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के, इसमें हमें ये फीचर्स में समझ आएगा कि हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है कैसे रन करती है सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल पे। तो पहला जो फीचर था वो हमने देखा कि देयर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, वो हमने देखा कि ये तो पता ही है हमें, सेंट्रल भी है, स्टेट भी है, लोकल लेवल भी है। दूसरा है कि जो ये तीनों है, तीनों लेवल्स है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल, ये जो है कैसे इनकी ज्यूरिसडिक्शन जो है, इनकी अपनी अपनी ज्यूरिसडिक्शन में कैसे काम चलाते हैं ये। तो तीसरा जो हमने देखा कि ज्यूरिसडिक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से रिटन फॉर्म में होना चाहिए, लॉ होना चाहिए, तभी वो हम या इनको रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक चला सकते हैं ये, तभी गवर्नमेंट। तो चौथा जो है कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी मैंने आपको समझाया। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। बाकी जो हमें और थर्ड फीचर्स है और सॉरी और तीन फीचर्स है वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।